स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। जैसे कि बहराइच हिंसा के बारे में आप सभी को पता है, किस तरीके से एक मामूली सी बात को लेकर दंगा इतना भड़क गया कि एक युवक की जान चली जाती है, और उसके बाद लगातार इस पर विवाद होते आ रहा है। अब जब कार्रवाई की बात हुई तो तमाम पांच आरोपी सलाखों के पीछे हैं, और उसके साथ ही आप बहराइच में बात करें, बहराइच में जल्द ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल बहराइच में कुछ घर ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, और इसके साथ ही अवैध तरीके से घर में करीब 40 घर ऐसे जिन्हें चिन्हित किया गया, और इस पर बुलडोजर एक्शन चलाया जाएगा। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि जो 40 घर है उनमें से एक घर या फिर एक से ज्यादा घर जो है मुख्य आरोपियों के भी है। अब ऐसे में सियासत शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं। विपक्ष जो है वो विवाद कर रहा है, विरोध कर रहा है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, और वहीं सरकार की तरफ से इसे सही ठहराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उनकी भी ये मांग थी कि बुलडोजर एक्शन जरूर हो। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल ये अर्चना कि क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, 40 घर जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उनको चिन्हित कर तोड़ा जाएगा उनको जल्द ही, लेकिन क्या इस चीज को सियासी रूप देना जरूरी है? क्योंकि विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है जानबूझ के जो आरोपी उसका घर तोड़ना चाहते उस पर बुलडोजर एक्शन चला रही है, लेकिन 40 घरों में हर किसी का घर तो आरोपियों का घर नहीं है। बिल्कुल श्रावणी, क्योंकि देखिए बुलडोजर एक्शन पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक आप बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि अगर वो आरोपी सिद्ध हो गया या दोषी सिद्ध हो गया तो आप उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक घर आरोपी का नहीं चिन्हित किया गया, वरना तो एक घर पे चलता। 40 घरों को इन्होंने चिन्हित किया, और उसके पीछे रीजन नहीं दिया कि क्या आरोपी का घर है। बोला कि अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, इसलिए अवैध अतिक्रमण को हम हटा रहे हैं, नोटिस चस्पा कर रहे हैं। और बड़ी चीज की जो हमने तस्वीरें भी देखी हैं, तो उन तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अवैध अतिक्रमण को खुद से ही हटा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ ये कि आप कह रहे हो कि अवैध अतिक्रमण है, नींद क्या तब खुली है जब जब कोई हिंसा हो गई है, तब आप कह रहे हो कि अवैध अतिक्रमण है। एक तरफ देखिए दो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर इसलिए पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा हुई है तो इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए उन लोगों को, आरोपियों को या फिर तमाम लोगों को या फिर जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक के परिजन है, उन्हें दिखाने के लिए कि बुलडोजर कार्रवाई आप चाहते थे, हम बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कि अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण पर हम बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, इसका आरोपियों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा यही लगता है, क्योंकि देखिए बस इससे अब जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी हिंसा शुरू होगी। क्योंकि देखिए इसमें ये भी एंगल श्रावणी सामने आया है कि सपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां पर जाने से रोक दिया गया है, तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरह से अब आगे की सियासत फिर से बुलडोजर पर आने वाली है। पंकज, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब पूरी हिंसा हुई, पूरा प्रकरण हमने देखा, दो आरोपियों, जो मुख्य आरोपी, उनके पैर में गोली लगी है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज चला, परिवार संतुष्ट नहीं है? यहाँ पर तो बड़ी चीज परिवार को लेकर है ना, परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, पहले की कार्रवाई से भी और दूसरों की कार्रवाई से भी। देखिए अर्चना, बुलडोजर की कार्रवाई को मैं कभी भी ना उसको लेकर ये नहीं बोलूंगी कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि अतिक्रमण, मैं मानती हूं कि जहां आप भी रहती हैं या जहां मैं भी रहती हूं, श्रावणी रहती हैं, हमने बहुत सारी जगह पर ऐसी जगह देखी है जहां पर हमें भी पता है कि ये जो सड़क है, ये सड़क इतनी है, उसके बावजूद लोग आगे की साइड में घर बना लेते हैं, आगे वहां पर भी टीन शेड डाला हुआ है। सीधे तौर पर उसमें ये कहा गया कि देखिए अगर आपके पास में वैध दस्तावेज हैं तो ठीक है, वो दस्तावेज आप दिखा दीजिए, और आपका जितनी भी जमीन है वो अपनी जमीन रखिए। उसमें सरकार ने या प्रशासन ने कोई गलत नहीं किया, मैं उसको गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि देखिए वो जो जमीन है वो सरकार की है, और सरकार की जमीन पर ऐसा नहीं कि सरकार उसमें कुछ अलग ही चीजें बना रही है घरों के आगे, वो हमारी सुविधा के लिए है कि ये जो सड़क अगर चौड़ी होगी तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। ऐसे में, और अभी जिस तरीके से तुमने सवाल उठाया कि प्रशासन के अभी तक नींद में था, देखिए ये ना एक बहुत बड़ा सवाल है कि अतिक्रमण कहीं पर भी होता है, जगह जगह पर अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ इसीलिए ध्यान रखने के लिए हैं कि क्या कहीं पर सरकारी जमीन पर कोई अवैध अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। और जब आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में जिस तरीके से हिंसा हो गई है तो वाकई में तमाम सवाल उठेंगे यहाँ पर। आप जिस जगह पर हिंसा हो जाती है वहां पर चलिए आपने कार्रवाई की है, आप ये जो आप अभियान चला रहे हैं इस अभियान को लगातार रखिए, मतलब कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होगा, कहीं पर भी वो जमीनें जो है वो नहीं जाएंगी सरकार की। और रही बात दूसरी के आरोपी के, यहाँ पर देखिए मैंने परिवार में ना
रामगोपाल जो मिश्रा हैं उनकी जो मृतक है उनकी पत्नी की बयान सुना था, जब उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा कि अभी वो उम्र की भी ज्यादा नहीं है, हाल ही में शादी हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस की कार्रवाई से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? चीजें जो दिखाई जा रही हैं वो वैसी नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि जो चीजें दिखाई जा रही वैसी चीजें हैं नहीं। तो यहाँ पर मुझे वाकई में ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार जिन दावों की बात की जा रही है, जिन कार्रवाई की बात की जा रही है, फिर वो कार्रवाई किस पर हो रही है? अगर मुख्य आरोपी की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है और प्रशासन पर सवाल उठे, तो वाकई में अब इस सवालों के घेर में प्रशासन फिर से आ रहा है कि भाई अगर कार्रवाई हो रही है, परिवार संतुष्ट नहीं है, तो वो कार्रवाई हो किस पे रही है? क्यों शामनी? बिल्कुल। और इसके साथ ही आप, मेरा ये मानना है कि पहले क्या सरकार अधिकारी सो रहे थे? अब आकर आप 40 घर को चिन्हित कर उन्हें अवैध घोषित कर दिया, अतिक्रमण को हटाने के लिए घर तोड़े जा रहे लोगों के, वहां पर ऐसा तो नहीं कि अचानक से अतिक्रमण हो गया, अचानक से बिल्डिंगें बन गई, सालों से लोग रहते आ रहे हैं और आज आकर आपकी आंखें खुल रही है और उनको नोटिस कितना दिया जा रहा है? 3 दिन का। 3 दिन का नोटिस दिया जा रहा है? 3 दिन में संभव है? ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक पीढ़ी अपनी शायद जिंदगी वहां पर उस घर में गुजार चुके और उनको आप मोहलत 3 दिन का दे रहे हैं। देखिए, अवैध अतिक्रमण, अवैध बिल्डिंग, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि तरीका सही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है, लेकिन आप अवैध अतिक्रमण पर जो है आप बुलडोजर चला सकते हैं, और मुझे लगता है कि यही चीजें जो है वो आधार बनाया गया। हाँ, आधार बनाया गया, लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन योगी सरकार करेगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप यहाँ पर अगर विपक्षियों की बात की जाए तो मुझे अर्चना और पंकज जी लगता है कि हर मामले में राजनीति करना सही नहीं है। ठीक है, आप वाजिब सवाल उठा रहे, सवाल उठाइए, आप सवाल उठाना सही है, लेकिन आप ये देखिए ना, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, आप एक ही विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, जब आरोपी ही उसी समुदाय का है तो क्या किया जा सकता है? अगर दूसरे समुदाय का आरोपी होते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, अब आरोपी उसी समुदाय के है तो क्या किया जा सकता? मुझे ना ये थोड़ा लगता है, देखिए आप ना हर एक चीज में, चाहे वो बेटी बचाओ की बात हो जाए, महिलाओं के प्रति अपराध की बात हो जाए, कोई भी मामला हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्राइम जिसने किया है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी राजनेता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा हिंसा का है। वहां पर गोली चली है, वहां पर हत्या हुई है, वहां पर आरोपी सिद्ध हुए हैं, उनकी वीडियो सामने आई है, तो मुझे इस पर राजनीति किस चीज की करनी? अपराधी को, यानी कि फिर तो ये वाली बात होगी कि यहां संरक्षण कर रहे हैं अपराधी का। भाई, किसी ने अगर किसी की हत्या की है तो सबके लिए वो हत्यारा हुआ ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अर्चना अगर तुमने किसी की हत्या कर दी तो मेरे लिए अलग होगा, श्रावणी के लिए अलग, आपने हत्या की तो हत्या ही, आप हत्यारोपी उसमें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस तरीके से जो बयानबाजी करते ना कि किसी एक विशेष समुदाय की बात कर लेते हैं या आरोपी, जब आरोपी का वीडियो सामने आया है, गोली चलाई गई है, धीरे धीरे उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है राजनीति के लिए जनता के मुद्दे भी होते हैं। आप इन पर हर एक बात पर एनकाउंटर पर, ठीक है आप एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों हो रहे, लेकिन एनकाउंटर पिछला इतिहास भी उठाकर देखिए, पहले कितने एनकाउंटर हुए, और विशेष समुदाय के भी जैसे बात कर रहे थे कि अब आप खुद देखिए ना, आप क्राइम देख रहे हैं, आप क्राइम का ग्राफ देख रहे हैं, उसमें कोई भी अपराधी की ना, जब सब यही बोलते हैं कि अपराधी का ना धर्म होता है ना जात होती है, तो फिर आप क्यों किसी विशेष समुदाय से उसको जोड़कर देख रहे हैं? आप अपराधी की निगाह से देखिए ना उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल पंकज, और मुझे भी यही लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई को आप एक तरफा कहिए, ठीक है तो सियासत करना ही करना है। देखिए कुछ भी होगा, क्योंकि देखिए जब पहले हिंसा हुई, हिंसा पर आपने सवाल उठाए, उसके बाद कार्रवाई हुई तो कार्रवाई पे आपने सवाल उठाए, अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो आप सवाल उठाएंगे, तो आप ऐसा लगता है कि सवाल खड़े करने के लिए ही आप केवल एक तरह से कह लीजिए विपक्ष बने। विपक्ष का काम केवल सवाल खड़े करना थोड़ी होता है कि केवल आप हर चीजों पर सवाल खड़े करिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो हमने तस्वीरें देखी, आपने भी देखा होगा जब मुठभेड़ हुई, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं इस चीज का जिक्र कर रही हूँ, इसे अन्यथा ना लें, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या फिर जो भी लोग देख रहे हैं, इसे अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी को ले जाती हुई पुलिस नजर आ रही है, गोली लगी हुई थी, तो या उसमें पुलिस ये कह रहे यार हमें भरोसा नहीं था कि तुम गोली चला दोगे। वो लिटरली वो वायरल हो रहा है वो वीडियो, पुलिस को ले जाते हुए कई सारे जगह ट्विटर पे मैंने देखा कि ट्वीट किया गया ये वीडियो, जिसमें पुलिस आरोपी से ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं था कि तुम गोली चला दोगे। आप अपराधी को लाइट में कैसे ले सकते, क्या तुम्हें हम पे विश्वास नहीं था, तुमने गोली क्यों चला दी?
तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो वीडियो कह रहा है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे, जिस वीडियो में जब ये मुठभेड़ हुई है, पुलिस उसको ले जाते हुए आरोपी को दिख रहा है, उस दौरान ही कॉन्वर्सेशन हुआ है और इस कॉन्वर्सेशन की क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ये कह रही है आरोपी से कि यार मुझे भरोसा नहीं था कि तुम जो है कि गोली चला दोगे। तो अब ऐसे में इसीलिए मुझे लगता है कि जो परिवार है वो भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि योगी सरकार सख्त रुख अख्तियार उन्होंने कर रखा है, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो दंगाई है, जिन्होंने हिंसा करा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और तो ऐसे में क्या अर्चना है कि बड़ी अच्छी मुझे ना मुख्यमंत्री की एक जो निर्देश उन्होंने दिए हैं कि देखिए जिस भी जगह पर ये इस तरीके की हिंसा होती है, कोई आपराधिक घटना बड़ी घटती है, वहां पर सबसे पहले अधिकारियों से ही पूछताछ की जाएगी कि आप आखिरकार क्या कर रहे थे। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो वाकई में अच्छा है। क्योंकि देखिए आप ना निर्देश दे सकते हैं, आप हर थाने में हर जगह पर नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ यही बोल सकते हैं कि देखिए अब आखिरी पड़ाव यही आ चुका है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो बिल्कुल। इस्तीफा दे और दीजिए, और प्रियंका, अगर आप उस चीज को संभाल पा रहे हैं तो हिंसा मत होने दीजिए, उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। बिल्कुल पंकज, और यही वजह है सामने, आपने भी देखा कि जैसे ही जिस दिन ये हिंसा हुई है, न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। जिस दिन हिंसा हुई है, रात के 9:30 बजे खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दो जो पुलिस कर्मी है उन्हें सस्पेंड किया गया। अगले दिन मतलब इस पूरे मामले में अब तक 3 जो सस्पेंशन है वो हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मामूली सस्पेंशन से क्या मामला रुक जाएगा? बट इसके साथ ही अर्चना एक अपडेट ये भी है कि जो वहां पर डीएम थी, डीएम और एसपी जो थी, हाँ, अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अब की जाएगी, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में योगी सरकार है। क्योंकि सबकी जवाबदेही बनते हैं, मुझे लगता है कि जवाबदारी जो है होनी चाहिए अधिकारियों की कि भाई अगर यहाँ पर कुछ हिंसा हुई है तो आखिर क्यों हुई है, किसके वजह से हुई है, किसकी लापरवाही से हुई है। खैर ये जो आप पूरा प्रकरण है, मुझे लगता है कि अब जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। सरकार अलग है, प्रशासनिक अमले अलग है, और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर अभी फिलहाल अगर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई, मुझे लगता है उन लोगों को मोहलत देनी चाहिए जो जिन्होंने साल साल दर साल अपना जीवन एक घर में बिताया है, और 3 दिन का मोहलत मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने बिल्कुल घर अपने तस्वीरें आ रही है कि इस तरह से मैंने तोड़ देखा रहे कि हैं, टेंट हटा रहे हैं, जो चीजें वो काफी और अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को उनकी मदद के लिए भी कुछ अन्य बिल्कुल। और विकल्प शामिल, जो मैं होना आपसे इस बात चाहिए। से पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि आप विकल्प दीजिए, आप विकल्प दीजिए कि आपने कहा 3 दिन, 3 दिन किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, खास तौर से अगर आप घर गिरा रहे, 3 दिन में क्या और रहने का स्थान चिन्हित बिल्कुल हो सकता है क्या? इतने अगर वहां पे आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, बहराइच मुझे लगता है कि बहुत अभी पिछड़ा हुआ इलाका है, जो तस्वीरें बयां करती हैं कि काफी ज्यादा वो पिछड़ा है, उसे बहुत डेवलप करने की जरूरत है। ऐसे में 3 दिन का समय क्या आपको लगता है कि उनके लिए पर्याप्त है? इस पर सभी को सोचने और विचारने की जरूरत है, खास तौर से प्रशासन और शासन के जो लोग हैं उन्हें विचार विमर्श करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है शर्मी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, बुलडोजर एक्शन जो किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा है कि केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ही बुलडोजर चलाया जाए, इस तरीके से किसी को सजा या फिर किसी अपराधी के घर को तोड़ के उनके परिवार वालों को आप सजा नहीं दे सकते हैं। ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, और अब तक जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है, आप लोग क्या संतुष्ट है उस कार्रवाई से, और अगर नहीं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके साथ ही अगली बार भी एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के लिए, अब आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार नमस्कार।